तनुषी दत्ता ने नाना पाटेकर के खिलाफ FIR अंधेरी में ओशीवाला पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। 2008 में तनुषी दत्ता अपने प्रसिद्धि के चरण सीमा पर थी और उनके आखिरी मूवी हॉर्न ओके प्लीज, जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा आइटम सॉन्ग का प्रदर्शन किया था। हॉर्न ओके प्लीज के कम्प्लीट होने के बाद वो बॉलीवुड से बहुत दूर चले गए और अभी वो 10 साल बाद मीडिया के चर्चा में आ गई। उन्होंने नाना पाटेकर और डांसर गणेश आचार्य पर लगाए है आरोप, जिसमें कहा जा रहा है कि शूटिंग के दौरान उनके साथ छेड़छाड़ हुआ और उन्हें मानसिक त्रास दिया गया। इसके बारे में जो आरोप है वो आरोप सही है। 2008 में घटना हुई थी, उसके बारे में उन्होंने जो 2008 में गोरेगांव पुलिस में जो FIR किया था उसके अंदर भी यही सारे कंटेंट है, लेकिन उन्होंने ये मैटर को दबाया था, उसके आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया था। वो केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है, इसलिए हमने अभी आज कोशिश की है उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो या नया फ्रेश FIR उनके खिलाफ दर्ज हो और चारों के नाम इसके अंदर डाल दिए गए हैं। उसके सारे सबूत हमारे पास है, उसकी सारी वीडियो क्लिपिंग हमारे पास है और उस वक्त सिन्टा को जो कंप्लेंट दिया था उसके अंदर ये सारा मामला मौजूद है और उसका रिकॉर्ड बनाया गया है। अब हम आपको इसके आगे की पहलू बता दें। अब तक आई जानकारी के अनुसार नाना पाटेकर जयपुर से मुंबई आते ही तनुषी दत्ता के लगाए सारे आरोपों झुठला दिए। उन्होंने कहा ये सब झूठ है, आप खुद सुन लीजिए नाना पाटेकर को। साल पहले इसका जवाब दे चुका, जो झूठ है वो झूठ ही है। अब कुछ सितारे इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। एक स्त्री की मर्यादा के ऊपर हाथ रखा गया, स्त्री का निरादर किया गया, स्त्री की तौहीन की गई, और अगर ये सिद्ध होता है और ये बात सच्ची है तो जिसने किया है उसको उस अपराध का दंड मिलना चाहिए, ठीक है। वो नाना पाटेकर हो या अन्नू कपूर हो या सोहेल ततारी हो या नरेंद्र मोदी, स्त्री का अपमान, स्त्री की अस्मिता के साथ खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परंतु आप प्रूफ लाइए और जिसको दंड देना है वो दंड दीजिए। बगैर प्रूफ के आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर सिर्फ लांछन लगाती हैं तो लांछन लगाने के साथ साथ इतने सारे प्रश्न सामने आ गए हैं, उसका जवाब दे दीजिए। आई थिंक इस मुद्दे पर जितना कम कहा जाए उतना बेहतर है, क्योंकि दोनों तरफ की कहानियां होती हैं। एंड आई थिंक ऐसा हम बहुत बार देख चुके हैं कि कई बार जब कोई आगे आता है, यू नो, मीडिया में बहुत चर्चा होती है, हम लोग बहुत चर्चा करते हैं और निकलता कुछ और है। तो आई थिंक विदाउट नोइंग बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी वी शुड नॉट गेट इनटू द मैटर। एंड ऑफ कोर्स इफ अ वुमन डज फील अनसेफ इन अ वर्किंग एनवायरनमेंट, आई थिंक दैट इज एनीवे वेरी रॉन्ग। नो वुमन शुड बी मेड टू फील अनसेफ एट वेयर शी गोज टू वर्क। अभी कह रहे हैं ये शोर शराबे में, चर्चे में, चीज मिस हो रही है कि हम देख रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री है या ये सब जगह होता है, वो रियलिटी। आज एक लड़की ने वो हिम्मत दिखाई है कि उसने चर्चा शुरू की, एक सच्चाई लाने की कोशिश की। अगर वो सच्चाई है तो जरूर शी विल बी। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, वी हैव टू लर्न टू लिसन फर्स्ट। प्रॉब्लम क्या है, हम शोर शराबा चालू कर देते हैं, हम सुनते ही नहीं, तो लोगों को डर लगता है कि यार ये तो बात का पतंगड़ बन जाएगा। हमको प्रोसेस करना पड़ेगा, ये हम सब पे उंगली उठाई गई, ये फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, आपके प्रोफेशन में भी होता होगा, पर किसी ने आज तक बात नहीं की क्योंकि प्रिंट में और मीडिया में वो चर्चा नहीं हुई। सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। आगे देखेंगे कहां तक जाता है मामला। न्यूज डेस्क इन 24 न्यूज।